हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। तो ये छोटी सी लीला है भक्ति विनोद ठाकुर की। तो तब भक्ति विनोद ठाकुर वेस्ट बंगाल में रहते थे, चंपारण करके एक जगह है, एक गाँव था। उस गाँव में भक्ति विनोद ठाकुर उधर रहते थे अपने छोटे बेटे के साथ। भक्ति विनोद ठाकुर के जो बेटे थे भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर, बिमला प्रसाद, तो ऐसे परिवार के साथ वो चंपारण में रहते थे। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर के पास कुछ गांव के लोग आए और उन्होंने बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर हमारी मदद कीजिए। क्या हो गया? इस गांव में नजदीकी एक जंगल है और उस जंगल में एक बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष में एक ब्रह्म राक्षस रहता है, एक भूत रहता है। वो जहाँ पे जो भी लोग आजू बाजू से जाते हैं, उस रास्ते से जाते हैं, तो उनको बहुत परेशान करता है, कुछ लोगों को मार भी देता है। और ऐसा ये भूत ब्रह्म राक्षस उधर है, आप कुछ तो कीजिए। ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर को इस चंपारण गांव के लोगों ने आके विनंती की। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला ठीक है। तो फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने और पूछताछ की कि ये भूत क्या करता है, उधर कैसे आया है। तो लोगों ने बताया कि ये जो भूत क्या करता है, उधर से जो भी लोग जाते हैं उनको तो परेशान करता ही है, लेकिन जो कुछ लोग वहां पे जाते हैं और वो उस भूत की पूजा अर्चना करते हैं, उसको कुछ मांस वगैरह अर्पण करते हैं, तो ये भूत क्या करता है, भूत उधर के जो एक लोकल उधर का जो जज था उसके शरीर में जाता है और जो भी डिसीजन वो जो वर्शिपर जो आराधना करता है उस भूत की, तो वो डिसीजन जो चाहता है वैसे ही वो जज डिसीजन देता है, क्योंकि उसके अंदर वो भूत चला जाता है, तो उसके फेवर में वो डिसीजन देता है जज, क्योंकि भूत उसके अंदर चला जाता है वो जज के अंदर। तो ऐसा ये भूत बहुत लोगों को परेशान कर रहा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि ठीक है, मैं इसका कुछ करता हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर गए एक रात उधर और भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, अपने साथ श्रीमद् भागवतम लेके गए और श्रीमद् भागवतम को लेके गए और उस पेड़ के नीचे गए रात में, और फिर रात में अलग अलग आवाज होने लगा उधर और वो पेड़ के नीचे वो पेड़ हिलने लगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर को पता था इधर बड़ा भूत है, तो भक्ति विनोद ठाकुर उधर ही नीचे बैठ गए, भागवतम लिया और जोर जोर से पढ़ने लगे। तो ऐसे वो उन्होंने कई दिन और कई रात कंटिन्यूसली श्रीमद् भागवतम वहाँ पे पढ़ा, कंटिन्यूसली पढ़ा और फिर कुछ 10-15 दिनों के बाद वो पेड़ अचानक गिर गया, धाड़ गिर गई। तो जैसे पेड़ गिर गया वहाँ से वो ब्रह्म राक्षस जो भूत था वहाँ से चला गया। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने सारे गाँव वालों को बुलाया और बोले कि अभी वो भूत चला गया यहाँ से, क्योंकि ये भागवतम में इतनी शक्ति है, भागवतम मैंने कंटिन्यूस 10 दिन पढ़ा ये भागवतम दिन रात, इसके वजह से अभी वो भूत परमानेंटली यहाँ से भाग गया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि ये श्रीमद् भागवतम जो है भगवान है, साक्षात कृष्ण, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह पुराण और को धुनोदिता। तो ये जो भागवतम है साक्षात भगवान कृष्ण है। जब भगवान कृष्ण फिर से अपने धाम चले गए तो वो भागवतम के रूप में यहीं पे रह गए, तो ये भागवतम कृष्ण है। और अगर हम भागवतम पढ़ते हैं तो इससे जो इन ऑस्पिशियस इन्फ्लुएंस होता है भूत राक्षस वगैरह वो भाग जाता है, ये हम इस लीला से सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।